अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। और करती हूँ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने आज के दिन की रूटीन। तो मैं सुबह नाश्ता करने लगी हूँ। सालन मसर हैं वो रात के बने हुए हैं, और गूंदा हुआ आटा जौन सा था वो एक रोटी का था। अब मैंने नान मंगवा लिए, तो मेरे हस्बैंड नान के साथ चने भी ले आए। मैं साथ बनाई है लस्सी, तो अब हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर मैं कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी, आटा गूंदने वाला है, आटा भी गूंदूँगी। जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं, इसी तरह हमें अपनी स्किन की क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है। क्लीनिंग के लिए हमें क्लिनजिंग करनी चाहिए, स्क्रबिंग करनी चाहिए, और स्किन को टाइट करने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाए और एंड में टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो करती हूँ अब नाश्ता। बर्तन भी मैंने वॉश कर लिया, और बर्तनों को मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया, और साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली। अब मैं कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए, अब मशीन को वॉश करूँगी। आज कपड़े वॉश करते हुए काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया, तो मैं आटा नहीं गूंथ सकी। तो फिर आलू वाले नान मेरे हस्बैंड ले आए, तो हम लोगों ने आलू वाले नान खाए। उसके बाद मैंने चाय पी, फिर मैंने आटा गूंदा।
नान जो से आलू वाले थे वो काफी बड़े थे, तो हम लोगों ने हाफ हाफ नान खाया, उसके बाद मैंने चाय पी। अब शाम का टाइम हो गया है, तकरीबन 7:15 का टाइम है ये। और बच्चे जौन से हैं वो बाहर घूमने फिरने गए हुए हैं अपने पापा के साथ, तो मुझे भूख लग गई है और फ्रिज में चावल पड़े थे वो मैं गर्म करके खाने लगी हूँ। तकरीबन 8:30 हो चुके हैं और अब मैं स्किन की क्लिंजिंग करूंगी। सबसे पहले स्किन की डस्ट साफ़ करूंगी, फिर मैं उसके बाद क्लिंजिंग करूंगी, फिर स्क्रबिंग करूंगी, फिर उसके बाद मास्क लगाऊंगी और एंड में टोनर का यूज़ करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलूंगी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।